नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया, मैं कीर्ति मंडूला। वक्त हो चला है 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों का। इंद्राणी मुखर्जी ने किया दावा, उसने कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटी को विदेशों में $50 लाख दिए। FATF के फैसले पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का कहना, पाकिस्तान पर आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए FATF का दबाव बड़ा, ग्रे लिस्ट में रहना किसी देश में की असफलता है। भारतीय सेना को पहली बार देश में बनी 40,000 बुलेट प्रूफ जैकेट भेजी गई। इस जैकेट की पहली श्रृंखला कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में जुटे सैनिकों को मिलेगी। हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार भडाना एक बार फिर से भाजपा में हुए शामिल, करतार इससे पहले भी कई पार्टियों में हो चुके हैं शामिल। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दौर, इन दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस का चुनाव प्रचार रहा बहुत ही धीमा। लखनऊ में स्किल इंडिया के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे और प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह रहे मौजूद। मऊ में मां बेटे की हत्या का खुलासा, पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के पति को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंचे, यहां उन्होंने विजय संकल्प जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम का किया भव्य स्वागत। रामपुर में आजम खान चुनाव प्रचार में जुटे, एक मंच पर आजम ने शायराना अंदाज में बिना नाम लिए अभिनेत्री जया प्रदा पर जमकर साधा निशाना। संबल में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, कार्यालय में लेखपाल ने दस्तावेजों पर साइन करने के लिए मांगे पैसे। प्रेस की आजादी पर हमले को लेकर निशाने पर पाकिस्तान, एशिया प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को पाकिस्तान ने रोका। चीन ने अमेरिका के साथ लंबे समय से चल रहे ट्रेड वॉर को खत्म करने के दिए संकेत, चीन का कहना वो अमेरिका के साथ बातचीत कर अपनी चिंताओं को दूर करने की करेगा कोशिश। अमेरिकी मध्यस्थता के बाद भी तुर्की ने अपना वादा तोड़ा, तुर्की ने फिर से कुर्द बलों पर किया हमला। पाकिस्तान को FATF ने आखिरी अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम के बाद पाकिस्तान का कहना FATF की कार्रवाई योजना को लागू करने के लिए है प्रतिबंध। अफगानिस्तान की एक मस्जिद में नमाज के दौरान दो धमाके, धमाके में 28 लोगों की मौत, 55 घायल। दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे और अंतिम टेस्ट में टीम इंडिया ने किया बड़ा बदलाव, ईशान की जगह शहबाज नदीम को मिला मौका। पूर्व ओलंपिक चैंपियन चीन की महिला शटलर ली जुईरुई ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से लिया संन्यास, 14 सुपर सीरीज खिताब जीतने वाली आक्रामक खिलाड़ी है ली जुईरुई। ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे बेल्जियम में खेले जा रहे यूरोपियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच रांची में शुरू, लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 3 विकेट पर 71 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी गुलाम बोदी स्पॉट फिक्सिंग मामले में पाए गए दोषी, मिली 5 साल की सजा। जॉन अब्राहम स्टार फिल्म पागलपंती का पोस्टर आया सामने, अलग अलग पोस्टर के साथ फिल्म के सभी लीड कैरेक्टर्स के लुक को किया गया रिवील। शिवसेना में शामिल हुए सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, इस मौके पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे रहे मौजूद। आयरन मैन फेम यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की अगली फिल्म का फर्स्ट लुक आया सामने, फिल्म ड्यूलिटल में जानवरों से बात करते नजर आएंगे RDJ। फिल्म 2020 में होगी रिलीज। आयुष्मान की फिल्म बाला का एक गाना विवादों के घेरे में, गाने के पुराने कंपोजर ने मेकर्स और बादशाह पर लीगल एक्शन लेने की दी धमकी। नेटफ्लिक्स की नई फिल्म ड्राइव का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, फिल्म में ग्लैमरस अंदाज में नजर आए जैकलिन, वही एक्शन मोड में दिखे सुशांत।